सात रंग में आपका स्वागत है। अपने इस खास कार्यक्रम आज का दौर और प्रेमचंद लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं, अतुल सिन्हा। आज हमारे जो मेहमान हैं, जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हैं प्रियदर्शन मालवीय। जाने माने कहानीकार हैं, लेखक हैं, तमाम मसलों पर अपनी राय देते हैं और साहित्य के सवालों पर बहुत अहम उनकी राय होती है। आज प्रियदर्शन जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सात रंग में और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेमचंद को लेकर आखिर उन्होंने जो भी अभी तक मूल्यांकन किया है वो कैसे देखा है उन्होंने प्रेमचंद को। मालवीय जी से जानते हैं। रचनाकार का मूल्यांकन तीन संदर्भों से किया सकता है। पहला ऐतिहासिक संदर्भ, दूसरा वास्तविक और तीसरा व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का तात्पर्य है कि वो हमें क्यों पसंद है। ऐतिहासिक संदर्भ में मुंशी प्रेमचंद हिंदी कहानी में ऐसे समय है क्योंकि हिंदी कहानी शैशवावस्था में थी। उस समय इंसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी जैसी कहानियाँ लिख रहे थे, या बेताल पचीसी और सिंहासन पचीसी से कहानियाँ लिखी जा रही थी। ऐसे समय में मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को धरातल पे खड़ा किया। इससे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मुंशी प्रेमचंद पहले कहानीकार नहीं थे जिन्होंने कि यथार्थवादी हिंदी में यथार्थवादी कहानी, यथार्थवादी कहानी की शुरुआत हो चुकी थी और शायद पहली यथार्थवादी कहानी दुलाई वाली कही जाती है जो कि एक बंग महिला के द्वारा लिखी गई। लेकिन एक बड़े पैमाने पर पूरे एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में जो यथार्थवादी कहानी की शुरुआत मुंशी प्रेमचंद ने की, ये उनका ऐतिहासिक संदर्भ था। मुंशी प्रेमचंद ने कहानियों, उपन्यासों, नाटकों, लेखों, निबंधों के माध्यम से हिंदी साहित्य को अकूत साहित्यिक सामग्री दी और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं था जो कि उनकी नज़र से उलझल हुआ हो। मालवीय जी, प्रेमचंद ने जिस दौरान अपना कहानी लिखना शुरू किया, अपना साहित्य रचना शुरू किया, उस वक्त कहानियों का जो कथ्य होता था, जो लेखन की जो शैली होती थी वो कुछ अलग होती थी, उसको उन्होंने कैसे तोड़ने की कोशिश की और आप राजनीतिक तौर पर प्रेमचंद के लेखन को किस तरह से देखते हैं? सामान्य रूप से हिंदी में इसके पहले जो कहानियाँ लिखी जाती थी राजे महाराजाओं की कहानियाँ लिखी जाती थी, उनके विशाल महलों के बारे में, उनके विशाल बागों के बारे में, घने जंगलों के बारे में, अय्यारी की, ऐसे तरह की जो पृष्ठभूमि में ही कहानी लिखी जाती थी। पहली बार मुंशी प्रेमचंद ने जन सामान्य को अपने सौंदर्य के केंद्र में रखा और हमारी तरफ इशारा किया, हिंदी साहित्यिक जगत को इशारा किया कि देखो इसमें भी एक सुंदर है। सामान्यतः हम गुलगुले बाल काल वाले बच्चों में सुंदर देखते हैं या एक सुंदर स्त्री में सुंदर देखते हैं, लेकिन एक किसान में, एक जनसामान्य में, एक मजदूर में, एक मजलूम में ये सुंदर देखना, यह दृष्टि मुंशी प्रेमचंद ने हमें दिखाई, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं कि लिटिल मैन्स थ्योरी अंग्रेजी में जो आई और कहा कि अब ग्रेट नरेटर्स का समय चला गया है और
कहानी जो है वो लिटिल माइंड पे लिखी जाएगी, इस बात को मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी में चरितार्थ किया। ये उनका सबसे बड़ा योगदान था। तीसरी बात जो मुझे प्रेमचंद की सबसे ज़्यादा पसंद आई, जो सबसे बड़ी बात थी, कि मुंशी प्रेमचंद शुरू से लेकर आखिर तक एक पॉलिटिकली करेक्ट लेखक थे। पॉलिटिकल करेक्टनेस मेरा मतलब किसी दलगत राजनीति से नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल करेक्टनेस मेरा मतलब ये है कि जीवन के अन्य संदर्भों से जुड़ा हुआ, एक मानवीय संदर्भ से, व्यापक मानवीय संदर्भों से जुड़ा होना, ये मेरे लिए पॉलिटिकल करेक्टनेस का मतलब है। जनता से जुड़ा होना, आम जनता से जुड़ा होना, उसकी बात करना। तो मुंशी प्रेमचंद शुरू से आखिर तक पॉलिटिकली करेक्ट रहे। प्रगतिशील धारा के लेखन को मजबूत करने में और साहित्य को सौंदर्य से निकालकर आम लोगों तक जोड़ने में प्रेमचंद की जो भूमिका है उसको आप कैसे देखते हैं? मनुष्य के साथ ही साथ मनुष्येतर प्राणी भी उनके कहानी के दायरे में आए हैं, और इस बात को हिंदी के उर्दू प्रसिद्ध आलोचक गोपी चंद नारंग ने इंगित किया है कि मुंशी प्रेमचंद के बाद उर्दू साहित्य से मनुष्येतर प्राणियों की आमद धीरे 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 कम होती है। तो मुंशी प्रेमचंद ने न केवल मनुष्य बल्कि मनुष्येतर जगत को भी अपनी कहानी का उस पर कहानी लिखी, और इस तरह से अपने कहानी के दायरे को उन्होंने बहुत व्यापक किया। मुंशी प्रेमचंद तीसरा जो हमारा कि मैं मुंशी प्रेमचंद को क्यों पसंद करता हूँ, उसका सबसे पहला कारण यह है कि प्रेमचंद ने इस धारणा को तोड़ा कि साहित्य का उद्देश्य जो है मनोरंजन प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं है, यह काम तो नट और जादूगरों का है। साहित्य का काम तो हमें जागृत करना है, हमें जागरूक करना है। उन्होंने मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में प्रगतिशील आंदोलन पर, प्रगतिशील आंदोलन की जो सदारत करते हुए, प्रगतिशील लेखक संघ सम्मेलन का की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि अब हमें उस साहित्य की जरूरत है जो कि हमें जगाए रखे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और अधिक सोना मृत्यु का लक्षण है। तो सबसे पहली बात उनको, मुझे ये प्रेमचंद की बात पसंद आई कि उन्होंने साहित्य को मनोरंजन के बाड़े से बाहर निकाला। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालवीय जी, और हम चाहेंगे कि आप हमारी अगली चर्चाओं में भी ज़रूर हिस्सा लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये जो कार्यक्रम है आज का दौर और प्रेमचंद, इसकी अभी तक कई कड़ियां आ चुकी हैं, और आने वाले वक्त में भी हमारे साथ कई सारे साहित्यकार, संस्कृति और रंगकर्मी इसमें जुड़ेंगे और प्रेमचंद को अपने तरीके से देखने की कोशिश करेंगे हमारी इस मुहिम में। आपको कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम, आप ज़रूर हमें बताएं। सात रंग को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। उम्मीद है आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।